फारुखाबाद नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में हंगामे के दौरान एसपी डीएम पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर आरोपियों को खदेड़ दिया। फिलहाल अब डीएम और एसपी फ्लैग मार्च चला रहे हैं। शुरू से इसमें बात कर ली गई थी और ये तय हुआ था कि अगर इन्हें कुछ कहना है तो अपनी बात ज्ञापन के रूप में देंगे। और नमाज के बाद हुआ भी वही, ज्ञापन वहीं पर जाकर अधिकारियों ने ले लिया और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो गई। नमाज होने के बाद कुछ ऐसे नई उम्र के लड़के थे जो गलियों में जाने के बाद इकट्ठा होकर के फिर निकलकर बाहर जुलूस का शक लेने की कोशिश कर रहे थे। तो जानकारी मिलने पर हमारी फोर्स वहाँ पहुँची, हम सब लोग पहुँचे और फिर उनको जुलूस का रूप नहीं लेने दिया। इस दौरान उन्होंने कुछ पत्थर इत्यादि फेंके तो फिर उन्हें हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ना पड़ा। जिन लोगों ने, जिन तत्वों ने ये सब करने की कोशिश की है, अभी हम लोग देखेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, आपकी खुफिया वहीं पर रही, मस्जिदों के पास में ही रही, उसके बावजूद भी इस तरीके की बात होगी, उन्होंने आपको पहले से इंडिकेट नहीं किया? नहीं, सारे इकट्ठे होते रहे, वो सारी जानकारी, सारी चीज़ जो पहले थी उससे हटकर एकाएक हुई, क्योंकि इस बात की आशंका नहीं थी, वार्ता हो चुकी थी और विधिवत जिम्मेदार लोगों ने ये बताया था कि नहीं, हमें ज्ञापन के अलावा कुछ नहीं करना है। निश्चित रूप से ये कुछ लड़के कहीं से किसी अन्य जिलों की स्थितियाँ देख कर या जो भी हो, उस प्रेरणा के वश में आकर के ये एकत्र होने का प्रयास किए जिन्हें एकत्र नहीं होने दिया गया। और सर, आपकी खुफिया का फेलियर माना जाए यहाँ पर? नहीं, खुफिया ने अपने स्तर से सूचनाएं दी थी, लेकिन अकस्मात जो ये घटनाक्रम हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई। थैंक यू। ओके, थैंक यू।